आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन के क्लास टू में बात करेंगे प्रॉपर नॉन के बारे में। इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत नॉन से की गई थी, जो नॉन का फर्स्ट क्लास था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया जा रहा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन इससे पिछले वाले वीडियो में भी दिया गया है, आज एक बार फिर से देखते हैं और इसके बाद हम लोग प्रॉपर नाउन के यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन समझते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु और पशु के नाम को कहा जाता है। जैसे उत्कर्ष शर्मा, ये प्रॉपर नाउन है, आपने इनका नाम सुना होगा, ये एक्टर हैं, जीनियस मूवी अगर आपने देखा होगा तो इन्हीं की एक्टिंग है उसमें। नेक्स्ट कोलकाता, प्रॉपर नाउन सेंट कोलंबस यूनिवर्सिटी। टाइटेनिक, ये मूवी का नाम है। इंद्रप्रस्थ पार्क, ये पार्क का नाम है जो दिल्ली में है, एटसेट्रा। तो प्रॉपर नाउन जो होता है एक पार्टिकुलर स्पेशल होता है। थोड़ा सा हम यहां पर देखें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। डॉग कॉमन नाउन है, लेकिन अगर डॉग का कोई नाम दे दिया जाए टॉमी, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि टॉमी बोलने से एक स्पेशल स्पेसिफिक नेम विच इज गिवन टू ए डॉग। हॉर्स कॉमन नाउन है, लेकिन अगर चेतक बोला जाए तो यह स्पेशल हॉर्स हो गया, मीन्स ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसी प्रकार से अगर देखें सिटी और पटना, तो सिटी आपका कॉमन नाउन है और पटना जो है आपका ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद हम लोग सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ प्रॉपर नाउन देखते हैं। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट रूल देखते हैं। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर दे आर बीइंग यूज्ड। प्रॉपर नाउन का यूज जो होता है सेंटेंस में कहीं पर भी हो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, नो मैटर वेयर दे आर बीइंग यूज्ड। वे कहां यूज हो रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग में कर रहा हो, मिडिल ऑफ द सेंटेंस में हो रहा हो या फिर एंडिंग ऑफ द सेंटेंस में हो रहा हो। एज फॉर एग्जाम्पल देखें इंडिया इज द ग्रेट, यहां पे प्रॉपर नाउन इंडिया जो है स्टार्टिंग में यूज हो रहा है एंड आई इज कैपिटल हेयर। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर सीइंग वी लिव इन इंडिया, इंडिया इज बीइंग यूज्ड एट द लास्ट, सो वी आर सीइंग हेयर आई इज ऑल्सो कैपिटल हेयर। तो फर्स्ट में शुरू हो रहा हो या लास्ट में यूज हो रहा हो आपको प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल देना है। अब थोड़ा मिडिल का एग्जांपल देखते हैं। आवर इंडिया इज इनक्रेडिबल, हमारा भारत अतुलनीय है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इंडिया एज ए प्रॉपर नाउन, इंडिया इज बीइंग यूज्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस बट आई इज कैपिटल। तो इससे क्लियर हो जाता है कि प्रॉपर नाउन का यूज सेंटेंस में कहीं पर भी हो रहा हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो इस प्रकार से अगर आप नेम ऑफ डेज लिख रहे हो, नेम ऑफ मंथ लिख रहे हो, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, सेंटेंस में कहीं पर भी इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। उसी प्रकार से अगर नेम ऑफ लैंग्वेज लिख रहे हो जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तो
तो इनका भी फर्स्ट लेटर हर जगह पे कैपिटल होगा, चाहे ये स्टार्टिंग में यूज हो रहे हो, मिडिल ऑफ द सेंटेंस यूज हो रहे हो, या एंडिंग ऑफ द सेंटेंस यूज हो रहे हो। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन कहीं पर भी यूज होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अब हम प्रॉपर नाउन के सेकंड रूल पर आते हैं। नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। 90% केसेस में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जैसे नेम ऑफ रिवर्स द गंगा, माउंटेन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिलीजियस बुक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन हैं जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर नाउन के थर्ड यूज पर। थर्ड रूल को डिस्क्राइब करने से पहले कुछ एग्जांपल पर आते हैं सेकंड रूल के। द मीनल इज माय बेस्ट फ्रेंड। सेकंड रूल में जैसा कि आपने देखा था कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है 90% केसेस में। तो उसका एग्जांपल समझते हैं। द मीनल इज माय बेस्ट फ्रेंड। द बॉय हु इज कमिंग इज रमन। सी लिव्स इन द रांची। आपको तीन एग्जांपल दिए गए हैं, आप जरा सोचें और देखें कि इनमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है ये रॉन्ग है। मीनल प्रॉपर नाउन है और मीनल के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है और इस कारण से ये सेंटेंस गलत है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द बॉय हु इज कमिंग इज रमन। लड़का जो आ रहा है रमन है, और यहां पे रमन जो है प्रॉपर नाउन है और रमन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से आपका ये सेंटेंस करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस पर आते हैं। सी लिव्स इन द रांची। वह रांची में रहती है। रांची इज अ प्रॉपर नाउन एंड हेयर वी कांट यूज द आर्टिकल द, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज आल्सो रॉन्ग। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस नंबर टू यहां पर करेक्ट है। ये दोनों आपका गलत है क्योंकि यहां पर आर्टिकल का यूज किया गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच सेंटेंस इज करेक्ट। आइए प्रॉपर नाउन के थर्ड रूल पर आते हैं। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिमिलर। प्रॉपर नाउन का प्रयोग हमेशा सिमिलर के रूप में होता है एंड टेक्स सिमिलर वर्ब, और इनके साथ सिमिलर वर्ब का यूज होता है। जब सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ वर्ब भी सिमिलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जयपुर, यहाँ पे आप तो नहीं यूज होगा। जयपुर इज नॉन एज द पिंक सिटी। जयपुर को गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, रहाने प्लेज वेल। रहाने अच्छा खेलते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आपने देखा कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज यूज्ड एज सिमिलर एंड टेक्स सिमिलर वर्ब। इस रूल का एक्सेप्शन है कि द प्लस नेम ऑफ कंट्री अगर आ जाए और तो ये वर्ब अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, और वैसे वर्ब लेगा जो प्ले हो, स्पोर्ट्स हो, गेम हो, वार, बैटल को एक्सप्रेस कर रहा हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं एक्सेप्शंस रूल को। जैसे द इंडिया हैज वॉन द मैच बाय 3 wickets। द इंडिया हैव वॉन द मैच बाय 3 wickets। द इंडिया इज प्लेइंग। द इंडिया आर प्लेइंग।
आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें देखें कि कौन सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। तो जैसा कि एक्सेप्शंस रूल में यहां पर लिखा हुआ है कि द प्लस नेम ऑफ कंट्री, जब नेम ऑफ कंट्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है तो दिस सब्जेक्ट वर्क्स एज प्लूरल, ये प्लूरल जैसा काम करता है, सिर्फ भारत देश नहीं बल्कि वहां के लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं उससे, इस कारण से ये प्लूरल हो जाता है। द इंडिया हैज वॉन द मैच बाय 3 विकेट्स, ये सेंटेंस द प्लस इंडिया है, तो यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल जैसा काम कर रहा है लेकिन हम वर्ब यूज कर रहे हैं यहां पर सिंगुलर, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। सेकंड सेंटेंस, द इंडिया हैव वॉन द मैच बाय 3 विकेट्स, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर मैच से रिलेटेड है, तो ये आपका सेंटेंस द इंडिया, ये प्लूरल सब्जेक्ट जैसा काम करेगा और हमारा वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द इंडिया इज प्लेइंग, भारत खेल रहा है, भारत खेलने का मतलब है कि कई लोग के भावनाएं जुड़े हुए हैं और पूरा इंडिया देख रहा है उस जो मैच हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे द इंडिया, इंडिया के पहले द लगने के कारण यहाँ पे इट becomes plural, that's why plural verb will be used, तो उस हिसाब से ये sentence भी आपका wrong है। और last sentence देखते हैं, the India are playing, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो हमने देखा कि the plus name of country के साथ हमेशा plural verb लगता है। अब हम proper noun के 4th rule पर आते हैं। Rule 4 में proper noun may be used as plural when it refers to more than one and works as common, proper noun को हम plural में use कर सकते हैं जब ये एक से ज्यादा को refer कर रहा हो और ये एक common noun के रूप में work कर रहा हो, जैसे suppose that कि कोई college है या class है, वहाँ पे एक ही नाम के अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो उस case में क्या होता है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। देर आर 3 नैनाज इन माई कॉलेज, देर आर 3 नैना इन माई कॉलेज, देर आर 3 नैनाज इन माई कॉलेज, देर इज 3 नैनाज इन माई कॉलेज। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे कॉलेज में 3 नैना, मतलब नैना नाम की 3 लड़कियां हैं। अब यहां पर ये 4 सेंटेंस में देखें कौन सा सेंटेंस सही है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो आप देख रहे हैं यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो उस हिसाब से आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है रॉन्ग है। सेकंड सेंटेंस पर आते हैं, देयर आर 3 नैना इन माय कॉलेज, तो प्रॉपर नाउन है लेकिन यहां पर बात जो हो रही है वो प्लूरल में जा रही है, 3 नैना, तो यहां पे 3 उसके बाद ये सिंगुलर नहीं हो सकता है, तो उस हिसाब से ये आपका सेकेंड सेंटेंस भी रॉन्ग है। थर्ड में आते हैं, देयर आर 3 नैनाज इन माई कॉलेज, यहां पे जो नैना है कॉमन नाउन के जैसा वर्क कर रहा है और इस कारण से इसे हम लोग एस लगा करके प्लूरल बना दिया गया है, तो यहां पर आपका ये सेंटेंस थर्ड सेंटेंस करेक्ट है। और फोर्थ सेंटेंस पर बात करते हैं, आपका यहाँ पे 3 नैनाज सही लिखा हुआ है बट जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज किया गया है, इस कारण से ये रॉन्ग है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल के रूप में यूज किया जाएगा जब ये मोर देन वन रेफर करे और कॉमन जैसा वर्क करता हो। तो अब हम लोग प्रॉपर नाउन के फिफ्थ रूल पर आते हैं, तो फिफ्थ रूल को देखते हैं, वेन कंपैरिजन ऑफ 2 क्वालिटीज इज टू एक्सप्रेस, जब 2 क्वालिटीज को का तुलना किया जाता है तब हम लोग उसके साथ आर्टिकल द यूज करते हैं बिफोर प्रॉपर नाउन, सीएन मींस प्रॉपर नाउन। एग्जांपल देखते हैं, यहां पर एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि द क्यों यूज किया जा रहा है, जैसे ही इज ए धोनी ऑफ आवर टीम, ही इज धोनी ऑफ आवर टीम,
ही इज द धोनी ऑफ आवर टीम। तो यहां पर तीन एग्जांपल आपको दिए गए हैं। रूल आपका कह रहा है कि जब दो क्वालिटीज का कंपैरिजन किया जाता है तो उस प्रॉपर नाउन के पहले द यूज होता है, तो ही इज अ धोनी ऑफ आवर टीम। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कहा जा रहा है कि वो हमारे टीम का धोनी। तो यहां पर ये ए नहीं बल्कि इसके साथ द यूज होगा। नेक्स्ट है ही इज धोनी ऑफ आवर टीम। धोनी तो एक ही है, यहां पे धोनी के क्वालिटी को बताया जा रहा है कि वो हमारे टीम में धोनी जैसा खेलता है, उसकी क्वालिटी जो है धोनी जैसा है, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट लगाता होगा, उसकी जो माइंड होगी धोनी जैसा कूल होगा, उसकी बात की जा रही है। यानी कि उसके और धोनी में यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर द। तो आपका सेकंड सेंटेंस भी रॉन्ग है, और ये जो आपका थर्ड सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू द रूल दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज द धोनी ऑफ आवर टीम। तो आप समझ गए होंगे ये भी रूल। ये जो भी रूल आपको बताए जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग प्रॉपर नाउन के आज के लास्ट रूल पर बात करते हैं। लास्ट रूल में देखते हैं, व्हेन प्रॉपर नाउन इज नॉट कंपेयर्ड विथ अदर बट ए क्वालिटी इज इन डिमांड देन ए और एन इज यूज्ड बिफोर इट। जब प्रॉपर नाउन कंपेयर के लिए नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी डिमांड में हो तब हम लोग उसके पहले ए और एन का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखें, वी नीड गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, वी नीड द गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। तो यहां पे क्वालिटी इन डिमांड है, मीन्स गांधी जी जैसी क्वालिटी की डिमांड हो रही है। तो उस लिहाज से, उस हिसाब से आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है रॉन्ग है, बिकॉज वी हैव नॉट यूज आर्टिकल ए और एन। सेकंड एग्जाम्पल, वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी राजनीति में एक गांधी की डिमांड हो रही है। एंड लास्ट वन, वी नीड द गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। जब दो क्वालिटी का कंपैरिजन किया जाता है तब द का यूज होता है। यहां पे क्वालिटी इन डिमांड है, किसी से कंपेयर नहीं है, तो वी नीड द गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, ये भी रॉन्ग है। रियल जो आपका करेक्ट जो है, वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। अगर हम यहां पर इस प्रकार से लिखें, वी वांट ए पी जे अब्दुल कलाम इन आवर इसरो, वी वांट ए पी जे अब्दुल कलाम इन आवर इसरो। तो यहां पर हम लिखेंगे वी वांट एन ए पी जे अब्दुल कलाम, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग साउंड है वो वॉवल है, इस कारण से आपको यहां पर एन यूज करना पड़ेगा। वी वांट एन ए पी जे अब्दुल कलाम इन आवर इसरो। तो आज आपने प्रॉपर नाउन का रूल देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल थे। आप चाहें तो इसे दोबारा भी देख सकते हैं और अपने नोटबुक पर लिख करके प्रैक्टिस करें। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स थे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।